हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहनीश चौहान, प्रज्ञा विडोवल एजुकेशन चैनल में आज सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोग को नवोदय आवासीय विद्यालय से संबंधित कुछ आवश्यक जानकारी लेकर आया हूँ। और ये लेटर एंट्री के माध्यम से परीक्षाएं होने वाली है आने वाले महीने में, और फॉर्म भरने का भी तारीख भी आ चुकी है। तो आगे हम इसका पूरा डिटेल जानकारी भी लेंगे कि उसमें क्या क्या जानकारियां दी गई है। तो आप लोग को लेटर एंट्री के बारे में बता देता हूँ। लेटर एंट्री एग्जाम क्यों लिया जाता है? जैसे हम सामान्यतः कक्षा 5वीं का जो हर साल परीक्षा होते आ रहा है, जो इसी के नाम से जाना जाता है, नवोदय आवासीय विद्यालय का ये परीक्षा हो रही है। तो समय के साथ साथ क्या होता है, जैसे कक्षा बढ़ती जाती है तो क्या होता है, बीच में कई लोग छोड़ देते हैं किसी कारणवश, किसी को हॉस्टल पसंद नहीं आता है, और हॉस्टल में कई बार दबाव महसूस करते हैं बच्चे लोग, या तो कई बार या तो दूसरी जगह जाना चाहते हैं या घर में रह कर पढ़ना चाहते हैं। तो कई बार क्या है, वो TC निकाल के चले जाते हैं। जैसे 9वीं में क्या होता है, वहाँ कुछ क्लास खाली रह जाती है, मतलब सीटें खाली रह जाती है, या 11वीं में कुछ सीटें खाली हो जाती है, तो उन सीटों को भरने के लिए लेटर एंट्री के माध्यम से परीक्षाएं ली जाती है। तो चलिए आप लोग को मैं इसका कुछ जानकारी आप लोग के सामने मैं शेयर करता हूं, तो आप लोग के लिए